डियर स्टूडेंट इन दिस मडल वी आर गोइंग टू सी द मैथ्स ऑफ रेंडमाइजेशन जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं वो बेशक आपका आर सी टी है रेंडामाइज कंट्रोल ट्रायल है या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो रेंडमाइजेशन एक ईश्यू बन जाता है कि रेंडमाइजेशन कैसे की जाए ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स तो आइए देखते हैं कि कौन से मैथड्स हैं रैंडमाइजेशन के so basically there are four methods, basic methods of random assignment. simple random assignment, restricted random assignment to force equal sample sizes, uh, restrict uh, random assignment to force unequal sample sizes, and batch randomization. Uh, let's see uh, all these methods one by one. a simple random assignment is uh, any procedure for assigning units to conditions by chance. विद नॉन ज़ीरो प्रॉबिलिटी यानी जिसमें आपकी प्रॉबिबिलिटी इक्वलेंट हो यानी आप किसी को पर्पजफुली सेलेक्ट नहीं कर रहे अपने ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रूप में बल्कि तमाम को इक्वल चांसेज ऑफ सेलेक्शन कह दे रहे हैं तो ये सिंपल रैंडम असाइनमेंट है इसको हम अप्लाई करते हैं टेबल ऑफ रेंडम नंबर से या कंप्यूटर जनरेटेड नंबर से द सेकेंड मैथड इज रिस्ट्रिक्ट रैंडम असाइनमेंट टू फोर्स इक्वल सैम्पल साइजिज इट इज़ पार्शली यूजफुल विद स्मॉल सैम्पल साइजिज टू प्रिवेंट सवियरली अन एकवल सप्लेट्स ओवर कंडीशंस जब आपके पास uh, जो है ग्रुप्स जो हैं वो उनमें जो आपके सैम्पलिंग यूनिट्स हैं वो इक्वल नहीं है और uh, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रैंडम बेसिस पे तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक ग्रुप में से आपके ज़्यादा सेलेक्ट हो जाए और दूसरे ग्रुप में कम सेलेक्ट हो जाए प्रपोशनल एलोकेशन के थ्रू तो हम ये करते हैं फिर प्रपोशनल एलोकेशन का फॉर्मूला फॉलो फार्म, नहीं करते बल्कि हम ये इंश्योर करते हैं कि इक्वल ग्रुप जो है उसमें से हर ग्रुप में से इक्वल सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट हो इन बोथ ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप यानी अगर आपके ट्रीटमेंट ग्रुप में आपके चार सब ग्रुप्स हैं तो चारों सब ग्रुप्स में से इक्वल नंबर ऑफ रिस्पॉडेड सेलेक्ट हो तो ये किस लिए किया जाता है टू मैक्सिमाइज पावर ऑफ टेस्टिंग ट्रीटमेंट विद द ट्रीटमेंट मेन इफेक्ट्स इज मैनी डिज़ाइन। ताकि आप जो इंटरवेंशन कर रहे हैं उसका जो आपने इफेक्ट देखना है उस का आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं Uh, अगर प्रोपोर्शनल एलोकेशन फॉलो करेंगे तो मे भी ये एक uh, वहाँ पे फिर बात आए कि ये ट्रीटमेंट का अफेक्ट है या फिर वो जो पॉसिबिलिटी uh, है कि आपकी वेरिएशन है सैम्पल uh, में उसकी वजह से हुआ है थर्ड मेथड इज़ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम असाइनमेंट टू फोर्स अन एकवल सैम्पल साइजेस ये जो सेकंड मेथड है उसके ऑपोजिट है uh, जिसमें हम uh, जो है ये फॉलो नहीं करते कि हम इक्ल सैम्पलिंग uh, यूनिट्स लेंगे बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारी इंटरवेंशन की बेसिस पे कौन सा ग्रुप ज़्यादा रेलिवेंट है और उस ग्रुप में से हमें ज़्यादा सैम्पलिंग यूनिट्स चाहिए यानी अगर आप uh, एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज उसमें आपके पास यंग हैं मिडिल एज एडल्ट्स हैं और ओल्ड एज एडल्ट्स हैं आपको लगता है ये ट्रीटमेंट ज़्यादा मिडिल एज एडल्ट्स के लिए अफेक्टिव है तो आप उस उसमें जो ज़्यादा सैम्पलिंग यूनिट्स लेंगे वो मिडिल एज एडल्ट के लेंगे एज कम्पेयर टू दंग एज एडल्ट या ओल्ड एज एडल्ट तो इस तरीके से आप आ, ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि सैम्पलिंग यूनिट्स जो है आपके आ, जो यंग एज एडल्ट के और ओल्ड एज एडल्ट के उसमें कम हो और मिडिल एज एडल्ट के सैम्पलिंग यूनिट्स उसमें ज़्यादा हो ताकि आपका जो मेन हाईपोस है वो एक्ूरेटली टेस्ट हो जाए कि ये Uh, जो है इंटरवेंशन या जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली फॉर द मिडिल एज एडल्ट्स है फोर्थ uh, uh, जो बेसिक रेंडमाइजेशन का मेथड है वो है बैच रेंडमाइजेशन इट रेफर्स टू केसेस इन विच स्मॉल ग्रुप्स विद मोर यूनिट्स देन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बट नॉट द होल सैम्पल आर अवेलेबल टू बी रेंडमाइज टू कंडीशन जिसमें आप ये देखते हैं कि आपका जो uh, uh, जो ग्रुप है उसमें से जो साम्पलिंग यूनिट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के साथ मिलते तो हैं मगर ओवरऑल जो वो पूरा ग्रुप है वो उसकी एजम्पन्स फुलफिल नहीं कर रहा यानी आप एज अ ग्रुप लेंगे तो शायद वो आपकी एजम्पन्स को फुलफ़िल ना करे, आपकी स्टडी को मगर उसका जो मेजॉरिटी ऑफ दिस्पोंडेंट्स हैं उस ग्रुप के वो फुलफिल कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं बैच रेंडमाइजेशन हम उनको ले लेते हैं जो हमारी स्टडी की एजम्शन को फुलफ़िल कर रहे हैं और उनसे हम अपना आ, जो है रिस्पॉन्डेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी स्टडी में एक्सपेरिमेंट के लिए तो ये प्रोसी प्रोसीजर जिसमें कि पूरा ग्रुप ना लें बल्कि एक ग्रुप की वो पॉपुलेशन जो आपकी स्टडी के लिए रेलिवेंट है अगर आप उसको उठा रहे हैं तो वो आप एक ग्रुप का बैच ले रहे हैं इसी वजह से इसको बैच रेंडेमाइजेशन कहा जाता है तो ये चार बेसिक मेथड है रैंडमाइजेसन uh, के इसके अलावा और भी मेथड्स हैं डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी कि आप कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं वो रैंडमाइज कंट्रोल डिज़ाइन है वो रिग्रेशन डिसकन्टीन्यूटी डिज़ाइन है या वो कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है या वो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है तो वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बेसिस पे भी मेथड्स uh, uh, में वेरिएशन आ जाती है मगर बेसिक चार मेथड्स ही हैं रैंडमाइजेसन के